हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मिलिंदर, लाइफ कोच इन द फील्ड ऑफ पर्सनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। साथियों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल मेडिटेशन की, जिसे हम 24 आवर्स कर सकते हैं। हमें कहीं बैठना नहीं पड़ता इस मेडिटेशन में। आंखें बंद करके जब हम अपने काम पे होते हैं, हम किसी से बात कर रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, हम कुछ भी कर रहे होते हैं, एक भाव रखना है हमें अपने मन के अंदर, अपने अंदर। एंड हर चीज, अगर हम उस भाव को रखते हुए, उस इंटेंशन को रखते हुए, उस फीलिंग को रखते हुए हर काम करते हैं, तो हम मेडिटेशन स्टेट में रहेंगे 24 आवर्स। तो आप सभी ने सुना है, ये कोई नया शब्द मैं इंट्रोड्यूस नहीं करवाने जा रही हूँ। हमारे वेदों में लिखा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो ही हूँ, या मैं ही वो हूँ। गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है, ये मन तू ज्योत स्वरूप, अपना मूल पहचान। तो अगर हम इन सभी का मीनिंग देखें, तो मेरे ख्याल में जो मुझे लगता है और जो मैंने सुना है अपने बड़ों से, कि इसमें ये कहा गया है, इंसान को रिमाइंड कराया गया है कि तुम में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। मैं वो ही हूँ जिसने मुझे बनाया। वो ही मीन्स आई हैव द सेम कंपोजिशन, आई हैव द सेम एलिमेंट ऑफ द सोल। तो जब हम इस एहसास को रखते हैं, अपना हर काम इस एहसास को अपने अंदर रखते हुए करते हैं, तो हमें बहुत ही सहज फील होता है। हमें जो हमारे क्वेश्चंस हैं, वो कितने कम हो जाते हैं। हम फील करते हैं कि कोई बड़ी एनर्जी, कोई बड़ा हायर पावर हमारे हमेशा हमारे साथ है। बिकॉज आई डिड दिस, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू गाइज। चाहे हमें ये बिगनिंग में यकीन आता है या नहीं आता है, अगर हम सिर्फ करते हैं, ये बात मानकर यकीन करते हैं कि हमारे ग्रंथों में लिखा है, और जब हम इस भाव को रखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, तो हमें बहुत ही लाइट फील होता है। कर्ता भाव चला जाता है, और हम जब कहते हैं कि मैं ही वो ब्रह्मा हूँ, इट डजेंट मीन कि हम ईगोइस्टिक हैं। ऑन द अदर हैंड, हमारी ईगो ड्रॉप हो जाती है, हम उसके साथ कनेक्ट फील करते हैं, हम दूसरों के साथ कनेक्ट फील करते हैं, हमें वो जो भाव है अपने आप को दूसरों से अच्छा प्रूव करने का, अपने आप को राइट प्रूव करने का, दूसरों से सुपीरियर प्रूव करने का, वो भाव चला जाता है। आफ्टर दैट वी लेट अदर पीपल टू विन द आर्गूमेंट। हमें कोई कोई आर्गूमेंट जीतने की, वो जो टाइनी सी डिजायर होती है, वैनिटी कहते हैं इसको, वो चली जाती है। हमारी एंग्जाइटी, हमारी स्ट्रेस, हमारा डिप्रेशन, इसमें हमें बहुत ही बेनिफिट मिलता है इस भाव को रखने से। तो इसको करने से ही पता चलेगा। अगर मैं 10 मिनट भी इसके बारे में बताऊं, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा जब तक हम इसको करते नहीं हैं। इट्स ए वेरी सिंपल टूल, इट्स ए वेरी सिंपल रेमेडी, इट्स ए वेरी सिंपल मंत्रा, कुछ भी कह लो। अगर हम इसको प्रैक्टिस करते हैं जस्ट 1 वीक, ट्राई दिस 1 वीक विद मी एंड लेट्स सी व्हाट वी फील। हम शेयर कर सकते हैं कि हमें क्या फील हुआ। ऐसा नहीं है कि मिरेकल होने लगेंगे, लेकिन हमें लाइट फील होगा, हमें अच्छा फील होगा, हम हारमोनियस फील करेंगे नेचर से,
लाइफ से, दूसरों से। और अगर हम इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लेंगे तो देखिए कि हम क्या फील करते हैं। अगेन, इस आवर जर्नी टुगेदर, इवन इस ए पर्सनल जर्नी हर एक की, लेकिन सिर्फ फिर भी हम लोग जो सभी इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, हम तभी जुड़े हैं बिकॉज हम सभी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो आप भी इसको एक्सपीरियंस करके देखिए, मैं भी करती हूँ, एंड फिर आप मुझे बताइए कि आपको कैसा फील होता है। अगर आपके पास कोई और मेडिटेशन टेक्निक है, टूल है, प्लीज़ शेयर विद मी, प्लीज़ शेयर विद अदर व्यूज, तो हम सभी को फ़ायदा हो इससे। द मीन टाइम आप इसको ट्राई कीजिए एंड मुझे बताइए। स्टे इन ट्यून विद मी। एक और हेल्थ और मेडिटेशन रिलेटेड टॉपिक मैं नेक्स्ट वीक आपके सामने शेयर करूँगी, लेकर आऊँगी, एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा उन हेल्थ टिप्स से। द मीन टाइम अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस मेडिटेशन टिप के रिलेटेड, प्लीज़ मैसेज मी एट 001-236-788-5266। आपका मैसेज अगर मुझे आंसर आता होगा तो मैं उसका पूरा ट्राई करूँगी आंसर देने का। अगर मुझे आंसर नहीं आता तो मैं अपने टीचर से, जो मेडिटेशन मास्टर है, उनसे पूछूँगी, तो आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। हैव ए ग्रेट न्यू ईयर। बाय नाउ।